Okay, uh, then the next concept is uh, TIVA or Total Intravenous Anesthesia. हमने ऊपर बैलेंस एनसीजिया में ये बात की है कि वी गिवी गिव अ कॉम्बीशन ऑफ इनहलेशन एंड इंट्रावेस एनसीजिया लेकिन देर आर सम इंडिकेशन जिनमें हम इनहलेशन एनसीजा नहीं दे सकते और हम टोटल सिर्फ आई वी एनसीजा ही कहते हैं उसको कहेंगे टीवा और टोटल इंट्रावेनस एनथेजिया ठीक है अब ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जिनमें हमें टोटल इंट्रावेनस एनथेजिया पर ही डिपेंड करना पड़ता है और हम इन्हेसल एनसीजा नहीं दे सकते उसमें एक तो मलेग्न हाइपरथर्मिया है वम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मलेग्न हाइपरथर्मिया में सेप्टेबिलिटी uh, होती है इंडिविजुअल्स की टू गेट टू गेट अ रिएक्शन टूवर्ड्स इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स ठीक है तो अगर मलिंगर हाइपेथेरेमिक ससेप्टेबिलिटी है तो उनमें नहीं देंगे सेकेंडली अगर uh, पेशेंट्स में हिस्ट्री है पोस्ट ऑपरेशनल um, नोस एंड की तो भी नहीं देंगे थोरासिक सर्जरी में इनहेलेशनल नहीं देंगे इंट्रोक्रेनल सर्जरी में इनहेलेशनल नहीं देंगे जस्ट uh, टोटल इंट्रोम पर रहेंगे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में तो भी इनहेलेशनल नहीं देंगे अगर इनस्थेजा दे रहे हैं नॉन थिएटर सेटिंग्स में वैसे ही मतलब हमारे पास थिएटर की सेटिंग नहीं अवेलेबल तब भी हम इनहोलेशन एनसीजिया नहीं देते तब हम यू कैन से कैटामिन देते हैं मोस्टली वो आईवी रूड से अच्छा तो इंडिकेशन को रिवाइज कर लेते हैं फॉर टोटल इंटरविनल तो हाइपोथर्मिक हाइपरथर्मिकबिलिटी है हिस्ट्री है पोस्ट ऑफ से वॉमिटिंग की थोड़ा सा सर्जरी है इंट्रोक्रेनियन सर्जरी है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है या एनसीजिया uh, है नॉन थिएटर सेटिंग में ठीक है तो इन केसेस हम मोस्टली आईवी रूड से देते हैं और आईवी रूड से देने के लिए एक प्रिपरेशन uh, होती है दैट इज कॉल्ड टारगेट कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन पम्प्स तो हम इन्फ्यूजन पम्प्स की uh, uh, के थ्रू हम आई वी एनस्जिया प्रोवाइड करते हैं और हमें टारगेट कंसनट्रेशन सेट कर देते हैं ब्लड की कि वो मेन्टेन रहे और फिर जैसे वो कम होती है तो द इन्फ्यूजन पम्प्स यू you नो know, इट इट, इट रेगुलेट्स दैट बाई इंक्रीजिंग द डोज ठीक है तो ये टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन पम्प्स का कॉन्सेप्ट है और अगर हमने आई वी रूट से एनस्जिया देना है तो फॉर हिपनोसिस के लिए जो हमारे पास डी ओ सी होगी दैट इज प्रोपोफोल बीनो के प्रोपोफोल एनलजीजिया प्रोवाइड नहीं करता तो बस एनल्सिजिया प्रोवाइड करता है तो आई वी रूट से हम ड्रग और चॉइस है फॉर reducing uh हिपनोसिस दट इज प्रोपोफोल एंड हाइवी रूड से जो ड्रगो चॉइस है फॉर इंड्यूसिंग एनर्जीजिया दट इज शॉर्ट एक्टिंग ऑप्योअर्स लाइक एनफेंटानिल ठीक है तो हिपनोसिस के लिए प्रोपोफल है एनर्जीजिया के लिए शॉट एक्टिंग ऑप्योर्स है इनफेंटानल ये है इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ टोटल इंट्रावेस एनसेजिया और टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन पम्प हम यूज करते हैं अगर टी सी आई मतलब मैंने इसलिए लिखते हैं टारगेट इफ्यूजन पम्स ताकि कहीं पर टी सी आई का वर्ड यूज हो तो आप कन्फ्यूज ना हो तो टी सी आई सिंपली टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन पम्प के थ्रू हम इंट्रावेस एनसेजिया दे सकते हैं ठीक है तो बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं टीवा के बारे में या टोटल इंटरव्यू के बारे में